कारवां सराय में क्या करने वाले जितने भी मुसाफिर हैं सबको मेरा सलाम पहुँचे और आज वो कारवां सराय जो बुक शॉप सराय में मुंतकिल हो चुका था उसकी आखिरी शब है ख़वातिनत जाहिर है कि आप मौलाना रूम से वाकिफ होंगे और मौलाना रूम के साथ नागजीर है कि शम्स तब्रेज का नाम ना आए तो उनकी जो पहली मुलाकात थी उसके बारे में दो रवायतें एक रिवायत जो मुझे बहुत पसंद है कम लोग जानते हैं वो कुछ इस तरह है कि मौलाना की सवारी जा रही थी और मौलाना चूँकि शाही दरबारी किस्म के मौलाना थे तो बड़े उसको एहतमाम के साथ उनकी सवारी जाती थी उनके घोड़े के जो घंटियाँ थी वो चांदी की बनी हुई थी पूरा साज चांदी का था और वो भी खुद बड़े शाहाना लिबास में मलबूस होते थे पीछे खुदाम चलते थे यूँ उनकी सवारी जाती थी सामने से एक मज़ूब आया और वो था शम्स तबरेज उसने मौलाना के घोड़े की लगाम थामी और कहा कि तुम बड़ा नाज करते हो कि तुम्हें दीन के बारे में बहुत कुछ पता है तो मेरे एक सवाल का जवाब देते जाओ खुदाम आगे बढ़े तो मौलाना ने कहा कि नहीं मज़ूब है पता नहीं क्या कहना चाहता है इसको कहने दो तो मजलूब ने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे वजूद का जो प्याला है इसमें इश्के रसुल्ला सल्लम कितना है मौलाना ने बड़े तकबर से जवाब दिया कि इसकी क्या बात पूछते हो वो प्याला जो है वो तो इश्क रसुल्ला सल्लम से लबरेज हो चुका है तुम तो बताओ तो उसने कहा मजदूब ने कि भाई मेरा जो प्याला है उसके तो अभी पेंदे में इश्क रसुल्ला सल्लम है तो मौलाना ने कहा कि बस उन्होंने कहा फ़र्क ये है शम्स ने कहा तुम्हारा प्याला वजूद का इतना है और मेरे वजूद का प्याला जो है वो पूरी कायनात के ऊपर महीत तो तब उन्होंने कहा कि वो घोड़े से उतरे और शम्स के पीछे चल दिए दूसरी रिवायत जो जाहिर किताबों से मुतक़ है प्रोग्राम किताबों के हवाले से है कि मौलाना एक किताब के एक तालाब के किनारे बैठे थे मुता कर रहे थे किसी किताब का और पास ढेर था किताबों का तो शम्स वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने मौलाना से पूछा कि ये क्या है किताबों के ढेर की तरफ इशारा किया तो मौलाना ने कहा कि ये वो है जिसकी तुम्हें खबर नहीं यानी तुम तो बेखबर आदमी तुम्हें क्या बताओ कि इल्म क्या है तो ये कहना था कि किताबों में आग लग गई तो मौलाना ने परेशान होकर उनसे पूछा कि ये क्या है तो शम्स ने कहा यह वो है जिसकी तुम्हें खबर नहीं उसके बाद मौलाना मुरीद हुए शम्स के यहाँ तक के अपने दीवान का नाम भी शम्स तब्रेज दीवान शम्स तब्रेज रखा तो पिछले एपिसोड में हमने अमेरिका के बार्स नोबल जो बुक शॉप है उसकी गुफ्तु की थी अब न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा बुक स्टोर है उसका नाम है द स्ट्रैंड उसके बाहर जो बोर्ड आवेदा है लिखा हुआ है कि यहाँ हम किताबों से मोहब्बत करते हैं स्ट्रैंड जो है मेरा ख़्याल है कि दुनिया के बड़े स्टोर्स में शामिल होगा क्योंकि आप उसके अंदर जाएं तो गुम हो जाते हैं और कहा यह जाता है कि पूरे 25 लाख किताबें हैं स्ट्रैंड में नुमाइश पर या उसके जो स्टोर्स हैं वहाँ पर और उनको अगर कतार में खड़ा किया जाए तो 18 मील लंबी कतार बनती है लोग आते हैं मैंने एक खातून को देखा सीढ़ी पे चढ़ी हुई थी और ऊपर मतलब ऊपर तक स्टोर वो थी बुक शेल्फ तो वहाँ पे बैठ के तो ऐनक लगा के मुताले में महल थी उसकी सीढ़ी के ऊपर बैठी आध घंटे के बाद मैं आया तो बद्रस्तूर उसी तरह बुतब नहीं पता नहीं वो क्या पढ़ रही थी इसका मुझे इल्म नहीं है तो पूरे स्टोर में मैंने एक चीज़ देखी जाहिर है कि हम जहाँ जाते हैं हमें पाकिस्तान की तलाश कि पाकिस्तान के हवाले से कोई किताब सरसरी तौर पर देखा तो एक बेनज़ीर भुट्टो के बारे में किताब थी एक अफ़ग़ानिस्तान के बारे में किताब थी जिसके ऊपर वो बड़ी फेमस फोटोग्राफ है अफगान गर्ल वो थी उसके सिवा शायद मैं तलाश नहीं कर सका हाँ इस्लाम के ऊपर बेशुमार बेशुमारेन आमस्टॉन्ग की बहुत सारी किताबें वहाँ पर मौजूद थी एक बात जो मैंने महसूस की कि वहाँ अमरीका में जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उन पर पाबंदी तो नहीं है लेकिन वो पसंद नहीं करते कि वो बुक स्टोर्स में जा क्योंकि दंगा करते हैं इधर उधर ख़राब करते हैं और भी और बहुत सारी हरकतें करते हैं लेकिन कुत्ते अलाउड हैं चनाचे आप अपने कुत्ते को ले जाकर तो बुक शॉप से अपना, अपना सैर करवा सकते हैं और ख़ुद किताबें खरीद सकते हैं मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा कि एक खातून है और वो कुत्तों के बारे में किताबों शेल्फ है बेशुमार किताबें कुत्तों के ऊपर लिखी हुई तो वो कुत्ते को दिखा रही हैं कि देखो इनमें से दे कौन सी अच्छी किताब है जाहिर है कि कुत्ते के साथ उनको बहुत मोहब्बत थी तो बच्चे अलाउड नहीं हैं कुत्ते अलाउड हैं वो तो बोले शाह ने सही कहा था ना कुत्ते तेथों कुत्ते अच्छा न्यूयॉर्क का एक बहुत ही यूनिक बुक स्टोर है बॉमर बी ओ यू एम ई आर मेरा ख़्याल है यूनिक है मुनफरद है और बड़ा जिसको कहते हैं ना एक्सक्लूसिव बुक स्टोर उसके अंदर आप जाएं तो यूँ लगता है कि एक पूरा किसी आर्ट की दुनिया में आ भी क्योंकि वहाँ की जो जबाइश है यहाँ के जो मतलब फर्श पे जो कालीन है या कुर्सियाँ हैं वो सब के सब डिज़ाइन हैं और किताबें जितनी भी हैं वो बेस्टर मतलब वो भी दूसरी भी मिल जाती हैं आम किताबें यानी पेपर बैग वगैरह लेकिन वो सबकी सब जो क्लासिक किताबें हैं वो हार्ड बाउंड है और वो सुनहरी जिल्दों वाली है और आपको पता है कि पुश्ते के ऊपर सुनहरी हर्फ इम्बॉस होते हैं ये होते हैं कलेक्टर्स के लिए क्योंकि वहाँ भी और बल्कि यहाँ भी ऐसे लोग जो अपनी जो फेवरेट किताबें हैं उनके स्पेशल एडिशन ख़रीदते हैं आ, बहुत सारे यहाँ पे अब पब्लिशर ऐसे हैं जो डिलक्स एडिशन इसलिए शाया कर रहे हैं कि जो भी फेवरेट आथर है किसी शख्स का उसने किताब पहले से पढ़ रखी है लेकिन उसका एक बहुत उम्दा नुस्खा वो चाहता है कि उसके पास मौजूद हो तो बॉमर स्टोर में आप जाएँ तो वहाँ पर आपको रशियन लिटरेचर या यूरोपियन लिटरेचर की जितनी किताबें हैं वो हार्ड बाउंड में डिलक्स एडिशन में और वो गोल्डन उसके पीछे सारा कुछ दर्ज है आ, वो आपको मिल जाएंगी लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है यानी अगर ओरिजिनल किताब सौ रुपए की है तो पाँच सौ रुपए की है लेकिन किताबों के शौकीन लोग हैं वो ख़रीदते हैं मैंने तो सच्ची बात है उनकी कीमत नहीं पूछी एक और बात जो खसूसी है उस बॉमर स्टोर में कि वहाँ जो कुछ मशहूर ऑफर्स हैं Uh, उनकी साइंसशुदा किताबें आटोग्राफ शुदा, शुदा यानी वो फौत हो चुके हैं पचास साठ साल हो गए कई सौ साल हो गए और उनमें जो मैंने एक नोट की वहाँ पे पढ़ी हुई थी वो थी मार्गरेट मिच्च्चल की गॉन विद द देंट आपको याद होगा कि गॉन विद द वेंट एक बहुत मशहूर फिल्म थी ये उस नावल पे बनी थी क्लाक गेबल ने उसने मरकजी किरदार अदा किया था तो वहाँ पर गॉन विद द वेंट का जो पहला एडिशन है उसके बाद ऊपर मार्गरेट मिच्चल उसका नाम था उसके दस है इसी तरह आइंस्टाइन की कोई किताब थी या उसके बारे में कोई किताब चाहता उसमें आइंस्टाइन के दस्खत थे इसी तरह टुकेले मॉकििंग बर्ड बड़ा मशहूर नावल है उसके जो आथर था उसके दस्तर थे चुनाचे मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उस स्टोर में जाएँ वो हमारी जेब मुतमल नहीं हो सकती क्योंकि उनकी कीमतें ज़्यादा हैं लेकिन सिर्फ नजारा करने के लिए देखने के लिए किताबों को देखना भी तो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर जाए चलिए अमेरिका से हम यूरोप चलते हैं आ, पिछले बरस कुछ अर्सा मुझे हेग में डान हेग या डान हाग जिसको कहते हैं वहाँ बसर करने का मौका मिला और बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिले हैं जिनका ख्याल था कि एम्स्टैम जो है हॉलैंड का ख़ुलाफ़ा है वेर एज ये हेग है और हेग को यूरोप का सबसे खूबसूरत गांव भी कहा जाता है ज़ाहिर है ऐम्स्टैम के मुकाबले में हेग बहुत छोटा शहर है लेकिन बहुत ही नफीस और बहुत ही साफ़ सुथरा और ज़्यादातर डिप्लोमेटिक इनकल वहाँ पे हैं इन्वेस्टर्स वगैरह रहते हैं और नहरें हैं और फूल हैं और बहुत खूबसूरत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी वहाँ पे है आ, इसी तरह इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वहाँ काफ़ी मतलब हैं अदारे ऐसे जिनके जजेस बहुत ही ईमानदार हैं इसीलिए पूरी दुनिया के लोग अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है मस uh, ये जो हुआ था बौसनिया वगैरह कतलेआम मुसलमानों का तो वो करोट्स वगैरह जो भी दूसरे थे उनके तमाम के केसेस वहीं पर चले थे चुनाचे मैं पाकिस्तान हाउस में मुकम था तो मुझे इल्लत है सुबह की शायर करने की तो सुबह सवेरे जॉगर पहन के अक्सर अकेला मैं बाहर निकल जाता था थोड़ी सर्दी होती थी लेकिन बड़ा प्रज़ेंट मौसम होता था और नहरों के किनारे चलते चलते, चलते मैं बिलाखर पहुंचता था किंग स्ट्रीट अच्छा किंग स्ट्रीट की ज़ाहिर दुकानें अभी नहीं खुली होती थी बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट है उसमें जो मेरी फेवरेट थी एक बुक शॉप थी 1921 में वो कायम हुई बॉफन डेयर उसका नाम था तो मैं वहाँ बाहर बैठ के कुर्सी पर उसके खुलने का इंतज़ार करता तो जब वो खुलती थी पूरे नौ बजे तो मैं अंदर जाता था और वहाँ से मैं एक कप काफ़ी खरीदता था और फिर किताबों के दरमियान जा बैठता था अब मैं आ, उमर ख़याम तो था नहीं कि जगह वाइन वाला सिलसिला नहीं हो सकता था और किताब हो यहाँ तो एक कप ऑफ कॉफी और किताब हो और वहाँ पे इतना ख़ूबसूरत माहौल था हम जैसों के लिए तो एक जादुई माहौल यानी प्लांट्स वहाँ लगे हुए हैं एक प्लांट के ऊपर लिखा हुआ है कि मुझे गजन न पहुँचाइएगा कि ये नहीं है कि चलते हुए ऐसे ही उसके पत्ते यूँ यूँ करके आप आगे बढ़ जाएँ और एक शन की बसात भी थी अगर आप शन खेलना चाहते हैं पीछे एक कमरा था और वहाँ पे वही सहूलत हासिल थी आ, अमेरिका वाली कि अगर आप मुताल करना चाहते हैं अपने थीसिस का जो है वो तहकीक करना चाहते हैं तो वो एक बिल्कुल साउंड प्रूफ रूम था वहाँ अपने कंप्यूटर के साथ किताबों के साथ बैठिए और जितनी देर आपका जी चाहे वहाँ पर आप बैठे रहिए मैंने एक खातून को देखा और रस्ब मामूल कुत्ता लेटा हुआ है मुताया कर रही हैं एक और खातून उनके साथ वो थी अपना प्रेम थी उसमें बच्चा लेटा हुआ है वो मुताह कर रही हैं चुनाचे जो उसमें माहौल था ना वो जी जाता था कि इंसान किताबें पढ़े अच्छा उसमें जो ख़ूबसूरती की एक और बात थी कि वो आ, मतलब वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में भी चंद किताबें थी और वो थी संग मील की उनमें पाकिस्तान की काफत जो है गंदारा है लाहौर के बारे में है इंडस, आ, सिंध के बारे में है अजरक के बारे में कुछ किताबें थीं और मुझे देख कर बहुत खुशी हुई एक दो किताबें मेरी भी थीं तो मैंने वहाँ जो इंचार्ज खातून थी बड़ी सुनहरी वालों में बहुत खूबसूरत खातून थी तो मैंने उनसे पूछा कि ये किताबें कोई ख़रीदता भी है तो उन्होंने कहा कि हाँ हॉलेंड में जो पाकिस्तानी मुकीम है वो ख़रीदते हैं तो मैंने कहा जनरली पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते क्योंकि रोज़गार की तलाश में गए होते हैं कहना कि वो आपकी बात ठीक है लेकिन ये उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो बहुत पढ़ी लिखी है जो डॉक्टर भी हैं फ़िलासफ़र भी है, लेक्चरर भी हैं और उन्हें अपने मुल्क के जान मुल्क के बारे में जानने की बड़ी है। ये किताबें वो ख़रीदते हैं और जाहिर है कि वहाँ उर्दू किताब तो नहीं चलेगी उनको उर्दू आती नहीं तो जो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन <coughs> वो ख़रीदे जाते हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो लर्न फॉर सेल मेरी किताब है उसकी तीन चार कापियाँ फरोख्त हुई इसीलिए मैं स्ट्रेस करता रहा हूँ कि जब तक आपके लिटरेचर का ट्रांसलेशन नहीं होगी कम से कम अंग्रेज़ी में आप दुनिया तक नहीं पहुंच सकते एक और चीज़ जो मुझे बुफनडेल डेल जो बुक शॉप थी जैसा कि मैं बता चुका हूं कि तकरीबन तो उन्नीस में कायम हुई और वहां मुझे बताया गया कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं है ये ऐसी प्राइम जगह है कि जो ओनर है वो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं इसको किराए पे देके या कोई और कारोबार करके फैशन हाउस मसन लेकिन वो चाहते हैं कि हम किताबों का ही कारोबार करें तो उनमें जो मुझे चीज़ पसंद आई क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं एक अजीब हूँ मसन ये एक छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ था आ, ये एक बॉक्स है और बॉक्स में कुछ भी रखा जा सकता है किताब की सूरत में और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो सोभनियर हैं वो आपकी सेल जो है बढ़ा सकती हैं इसी तरह वहाँ पे बुक शेल्फ बहुत खूबसूरत बुक शेल्फ बने हुए और आम बाज़ार से बहुत कम कीमत पर मिलते हैं यानी अगर आप अपने घर में किताबें ले जाना चाहते हैं और आपके पास कोई जगह नहीं है तो वहाँ पे बुक शेल्फ भी अवेलेबल होंगे उसके साथ ही एक और किताब मतलब किंग्स जो है स्ट्रीट उसमें तीन हैं बेसिकली किताबों की दुकान उसका नाम है स्टैंडा स्टेंजा जो है उसने भी पाकिस्तानी किताबें रखी हैं और वो मैक्सिकन खातून है उन्हें बहुत ज़्यादा मैं उनको मिला भी था उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है कि बाहर की किताबें उनके यहाँ आएँ और उन्होंने बहुत स्ट्रेस ले मुझे कहा था कि आप प्लीज़ अपने पब्लिशर से रबता करें वो हमसे करें और हम चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान की किताबें यहाँ मौजूद हों मैंने उनसे पूछा कि आप मेक्सिकन हैं तो आप तो कहने की नहीं आई वॉज बॉर्न हेयर आई एम मेक्सिकन लेकिन मेरा बाप मुशनफ़ था इसलिए मुझे शौक़ था कि मैं एक बुक्स बुक स्टोर कायम करूं और आ, आ, मैं उसकी ट्रेडिशन जो है वो आगे लेके जा रही हूँ शांजा जो बुक स्टोर था उसके साथ एक जगह थी उसका नाम था बाइसिकल कैफ़े अच्छा बाइसिकल कैफ़े भी बुनियादी तौर पर बुक शॉप लेकिन जब आप अंदर जाते थे तो हर हर तरफ वो बाइसिकलें लगी हुई थी तो और मतलब पुरानी बाइसिकलों की फ़ोटो वो रेस की तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा कि ये किताबों का और बाइसिकलों का आपस में क्या रिश्ता है वो कहने लगे कि असल में बात ये है कि हम चाहते थे कि इसको एक अट्रैक्टिव जगह बनाएं ताकि लोग आगे देखें चुनाचे एक तो आप जानते हैं कि हॉलैंड जो है बाइसिकलों का मुल्क कहलाता है और वहाँ पे मतलब करोड़ों के हिसाब से बाइसिकलें और एक बात और मैं बता दूँ कि कामनी कौशल जो लाहौर की थी जब उनसे पूछा गया कि लाहौर की वाज तौर पर सबसे ज़्यादा अहम या खूबसूरत यादगार क्या है आपकी तो कामनी कौशल ने कहा था लाहौर जो था वो साइकिलों का एक शहर था यहाँ भी बहुत साइकिलें हुआ करती थी एक ज़माने में आप जानते हैं ख़ास एक हैट वैन के साथ लोग और वो मतलब पतलून ऊपर करके तो साइकिल चलाना और उस ज़माने में जो लोग साइकिल चलाते थे वो मतलब ट्रैफिक के आदाब से वाकिफ़ थे यानी बाकायदा उन्होंने हाथ के इशारे से मुड़ने का इशारा करना है इधर आप जानते कि मोटरसाइकिल वाले आपका क्या हाल करते हैं बल्कि लेडी मैकलैगन स्कूल है वहाँ मेरी एहलिया पढ़ा करती थी तो उसके मुताबिक उन जवानों में भी वहाँ पे लेडीज़ की एक साइकिल स्टैंड था जहाँ पे ख़वात आके वो साइकिलें अपनी खड़ी करती थी अब अनफॉर्चुनेटली वो सारी ट्रेडिशन ख़त्म हो गई तो इसी तरह जिस तरह लाहौर साइकिलों का शहर था इसी तरह हेग साइकिलों का शहर है चुनाचे वो लोग वहाँ पे आते हैं उनका ख्याल होता है कि साइकिलों के बारे में मालूम कुछ होगी होती है तस्वीरें होती हैं लेकिन ये एक तरीक़ा होता है लोगों को किताबों की जाने मफजूल करने का। बहुत ही ख़ूबसूरत बुक शॉप और आखिर में शेक्सपियर एंड कंपनी गालिबन, लोगों के बकौल और सियाती किताब में भी लिखा है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा तारीख़ी किताब दुकान शेक्सपियर एंड कंपनी पेरिस ये है क्या शेक्सपियर एंड कंपनी इसकी छोटी सी बैकग्राउंड में दास्तान है वो सुन लीजिए पिछले नवंबर मैं पेरिस में था और तकरीबन साठ वर्ष के बाद गया था चुनाच ना पेरिस वो था जो कि मैंने देखा था ना मैं वो था जो पेरिस ने मुझे देखा था मैं जो तो बूढ़ा हो चुका था पैरिस मजीद जवान हो चुका था लेकिन बदल चुका था अब वहाँ जाके मेरे जहन में एक क्योंकि मैं पैरिस को देख के क्योंकि पैरिस जवान था तो उसको देख के हम भी थोड़े से जवान हो गए तो बहुत ही अजीब जो होते हैं किस्म के ख़्याल जन्म लेने लगे और उनमें एक ख्याल ये भी था कि म्यूज़ियम जो है लूव वहाँ जाना है अब फ्रांसीसी लोग इसे कहते हैं लूव लेकिन हम जैसे देसी लोग जब तक लूबर ना गए हैं हमारी तसली तो नहीं होती और लूबर की दो बहुत लू, सॉरी लूब है लूब की दो सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है एक है मोना लीजा और दूसरी है वीनस डी मेरो उसका मुजस्मा और अब वहाँ पे कतारें लगी होती हैं और जनाब पहले एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है और मैं क्यों जाना चाहता था भाई एक तो लूब के बगैर अगर आप वापस आ जाते हैं तो आपने पैरिस देखा ही नहीं चाहे आप कितनी मतलब ही वहाँ पर गए हों दूसरी बात ये थी कि मेरी किताब जिसका मैं तस्करा कर चुका हूँ प्यार का पहला शहर उसका पस मंजर पैरिस था और आइफल टावर था दरियाए सन था लेकिन सबसे अहम जो किरदार था उसने वो अपाहज वीनस का था जो पास्कल का किरदार वहाँ से अखज किया गया और अपाहज वीनस कौन थी लूब में जो ताज़ा मुजस्मा है वीनस का यानी वीनस डी मीलो और इस किताब ने आ, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इसमें क्या है मतलब बहुत ही ऑर्डनरी और बचकाना मुझे लगती है अब बहुत कच्चे जज्बात की आ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जादू है कि कोई अस्सी नवे एडिशन आ चुके हैं तो मैं ये चाहता था कि ये किताब और ये वाली किताब मैं ख़ास तौर पे लेके गया आ, अपने साथ कि ये किताब मैं जाऊं और विनस डी मीलो के चरणों में रख दूँ भेंट कर दूँ कि बीवी तुम मेरे लिए बड़ी मुबारक साबित हुई है मैं साठ साल पैंसठ साल पहले यहाँ पे आया था तुमसे इंस्पायर हुआ था और पास्कल का मुजना किया था तुम्हारे साथ तो इसलिए मेरी तरफ से ये छोटा सा चढ़ावा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि लूब में दाखिल होते ही अब सिक्योरिटी की मिसाइल तो उन्होंने ये किताब रखवाली के अंदर नहीं लेके जा सकते अब हमारा वो ज़माना था कि जब हम गए थे तो बेचारी मोनोलीजा जो थी वो जो जमाइयाँ ले रही थी कोई आया ही नहीं था मिलने अकेली लगी थी हम सैंडविच खाते हुए उसे देखते रहे थे और कोई के जंगला वंगला नहीं था अब मेरा ख़्याल है को हज़ार सरों के ऊपर से हमने देखा तो वो मोनोलीजा कतारें लगी हुई हैं भारत फ़र्ज बनता था कि करीब से देखा जाए जाके देखा वैसी की वैसी थी जैसी कि हम छोड़ गए थे साठ साल पहले वहाँ से हमने वीनस डी मीलो के मुजस्मे का रुख किया और ये वीनस डी मीलो इसलिए कहलाती है कि मीलो के जजीरे से द्र हुई क्योंकि वीनस तो एक देवी है हुसैन की देवी भी है समंदर की देवी भी है बहुत सारे उसके मुजस्मे बने हैं लेकिन ये मुजस्मा जो था मीलों के जजीरे से मिला इसलिए इसका नाम ये रखा गया और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पहले हाथ भी थे जो बाद में मतलब बहुत तलाश किए समरों में जा जा के और हकैद तो यही है कि जी फ्रांस वाले चाहते थे कि ये मुजस्म उन्हें मिल जाए उसकी बड़ी शहरत थी तो जब जजीरे वालों ने देखा कि वो आ रहे हैं फ़ौज वगैरह लेके या जो भी है तो उन्होंने इसके हाथ काट के समंदर में फेंक दिए थे ताकि ये इनकम्प्लीट हो इसको ले जा ना सकें लेकिन वो फिर भी ले गए तो ये मुजस्मा जो है वहाँ आवेजा था मैं ये चढ़ावा वहाँ ना चढ़ा सका लेकिन मैंने उसका शुक्रिया ज़रूर अदा किया अच्छा रूप से निकले तो चलते चलते हम हसब मामूल आइफर टावर पहुंच गए और वो भी आ, मेरे लिए एक बहुत ही यादगार आ, जगह थी क्योंकि पास्कल के साथ मुलाकात वहाँ होनी थी तो मेरा ख्याल था कि ये किताब वहाँ रख दूँ लेकिन वहाँ रश इतना ज़्यादा था, था कि मुझे खदशा हुआ कि अगर मैं ये किताब रख रहा हूँ तो मुझे कोई दहशतगर्द ना समझ ले मतलब ये ये पता नहीं क्या यहाँ पर रख रहा है तो वहाँ भी ना रख सका तो अब आते हैं हम शेक्सपियर एंड कंपनी की तरफ शेक्सपियर एंड कंपनी 1920 के लगभग एक अमेरिकन लग लड़की वहाँ पे आई जिसको शब्द था किताबों से लिटरेचर भी से और उसका नाम था सिल्विया पीच तो वहाँ पे उसकी एक सहेली थी मोने, और ये सहेलियाँ थी इन दोनों ने इसीलिए शादी नहीं की सारी उम्र उन दोनों ने मिलकर चर्च जो है नोट डैम का वही हंच ऑफ नोटर डैम का उसके साथ एक राव खाना था उसका एक कोई खाली जगह थी वहाँ ये बुक शॉप कायम की बुनियादी मकसद ये था कि इन लोगों को यानि फ्रेंच को आगाह किया जाए कि अमेरिका में भी लिटरेचर लिखा जाता है क्योंकि फ्रांसीसी और किसी को घास नहीं डालते और यहाँ पे इजमा होता था बहुत बड़े बड़े अदीबों का और उनमें हेमिंग भी शामिल था मतलब फेयरवेल टू आर्म्स आपने पढ़ी होगी इमीजिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैमिंग वे पैरिस में था और ए मूवेबल फीस्ट के नाम से उसने बड़ी तफसील से पैरिस की हयात के बारे में लिखा है और उसमें भी शेक्सपियर एंड कंपनी का है कि किस तरह वो वहाँ पर गया एक सर दोपहर और वहाँ पर सिल्विया बीच को मिला और वहाँ पर उन्होंने हीटर लगा रखा था और उसने सिल्विया बीच को वो ज़ख्म दिखाए क्योंकि ये एम्बुलेंस ड्राइवर था इटली में कि भाई ये मुझे ज़ख्म आए और ज़ख्म अभी ताज़ा थे तो उस हवाले से उसने फिर बाद में ए फेवरेट वार्म लिखा लेकिन इस किताब घर की सबसे ज़्यादा शहरत तो इसलिए है कि जिस नावल के बारे में कहा गया अगरचे मैं बार बार डिसग्री भी करता हूँ लेकिन कहा जाता है बड़े लोग कहते हैं कि वो नावल ऑफ़ द सेंचुरी है यूलेसिस जेम्स जॉयस का जेम्स जॉयस का यूलेस जो है वो पहली मरतबा शेक्सपियर एंड कंपनी ने शाया किया चुनाचे उसके हवाले से पूरी दुनिया में उसकी शोरत हो गई और लोगों ने वहाँ पर आना शुरू कर दिया अच्छा बाई द वे इस दौरान आ, मैंने एक फ्रेंच बैरी जो कैब नहीं होती वो भी ख़रीद ली ताकि मैं एक जाली सा फ्रेंच दानश्वर नजर आऊँ नहीं नज़र आया जाली भी नहीं नज़र आया तो खैर अब वहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई शेक्सपियन कंपनी के क्योंकि वो अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है मेरी पोती मिशाल मेरे साथ थी हम अंदर गए अंदर का माहौल मैं बयान नहीं कर सकता पुराना कदीम और एक ख़ास महक वही महक जो मुझे फरोज में आया करती थी किताबों की छोटे छोटे कमरे हैं और वहाँ पर मुख्तफ अकवाल दर्ज़ हैं उसमें एक कॉल बड़ा ख़ूबसूरत है कि अजनबी जो मेहमान हैं उनके साथ उसमें सलूक कीजिए क्योंकि हो सकता है कि वो दरअसल फरिश्ते एक और कॉल है किताबें दोस्त और रिश्तेदार ये तीनों ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है अब माहौल ये है कि एक कमरा छोटा सा वहाँ एक पियानो भी पड़ा हुआ है एक टाइप राइटर भी पड़ा हुआ है एक बिस्तर सा भी है मालूम ये हुआ कि कोई भी शख्स वहाँ जा सकता है जो अदीब बनना चाहता है नौजवान जिसके जेन में है कि मुझ में सलाहियत है और वो वहाँ पे लोगों को मिलना चाहता है तो वहाँ पे उसको मुलाज़मत मिल जाती है मुलाजमत ये मिलती है कि आप सारा दिन काम करें Um, किताबें किताबें जो है वो उनकी डस्टिंग करें बाहर बोर्ड रखें गाकों को डील करें और उसके जाने में आपको शाम के खाने के सिर्फ पैसे मिलते थे और किसी आप कोने में सो सकते तनख्वाह नहीं है यकीन करें कि उनके पास एक लंबी लिस्ट थी क्योंकि ये अगर आपके सी वी पर ये आ जाता है कि आपने शेक्सपियर एंड कंपनी में काम किया है तो अदब की दुनिया में ये बहुत अहम शुमार किया जाता है अब मैं भी अगर तीस चालीस साल छोटा होता तो डेफिनेटली मैंने भी शेक्सपियर एंड कंपनी के हाँ हमने इन्हें मुलाजमत कर लेनी थी एक दो माह की अच्छा वाहिद जो रेफरेंस है वो है हाफिज़ का वहाँ पूरी शेक्सपियर एंड कंपनी के वो मैं आपको सुनाता हूँ कि उसका कौन सी मुझे नहीं पता वो रुबाई है या नहीं सीढ़ियों के ऊपर शेर लिखे हुए हैं जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि शेक्सपियर एंड कंपनी की जो सीढ़ी है बहुत बहुत सीधा सी हैं पुरानी हैं हर सीढ़ी पे एक एक मिसरा लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में और ऊपर हाफिज़ देख के मुझे बहुत खुशी हुई और उसका आज़ाद सा तर्जमा जो मैंने किया है वो कुछ जू है कि जब तुम अंधेरे में हो और अकेले हो जब तुम अंधेरे में हो और अकेले हो तो अपने अंदर की रोशनी का चिराग जलाओ तुम उसकी रोशनी से हैरान रह जाओगे ये हाफिज़ हैं और शेक्सपियर कंपनी में बिल्ली एक फिरती रहती और वो क्लासिक बिल्ली है शुरू से ज़ाहिर है उसकी आल औलाद होगी एग्जैक्टली जिस तरह हैमिंग वे के जो की वेस्ट वाला घर है उसमें छ पंजों वाली बिल्ली हैं क्योंकि उसके पास एक बिल्ली थी बहुत अर्सा पहले अब उनकी आल औलाद हो गई तीस चालीस बिल्लियाँ फिर गई यहाँ पर अभी एक ही शेक्सपियर शेक्सपियर कंपनी की सबसे खूबसूरत याद मेरे लिए पुरफ़खर याद कि मेरी पोती मिशाल मेरे साथ थी और वो ट्रांसलेट भी कर देती थी, थी जो कुछ फ्रेंच में होता था उसको तो उसने कहा कि दादा मैंने इनका जो सोविनियर बैग है शेक्सपियर एंड कंपनी का वो खरीदना है मैंने कहा ठीक है वो लाइन में लोग लगे हुए थे वो भी खड़ी हो गई इस दौरान तो वो जो रिसेप्शन पे साहब थे हाँ ये मैं भूल ही गया हूँ रिसेप्शन के जो साहब हैं उनको मैंने अपनी किताब पेश की प्यार का पहला शहर और कहा कि मैं ऑथर हूँ तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं ये किताब रख जाऊँ ही आर सो so हैप्पी उन्होंने कहा ये उर्दू की पहली किताब है जो यहाँ पर मौजूद होगी और यहाँ कोई ना कोई आएगा जो उसे पढ़ेगा तो मेरे लिए ये एक बहुत काबिल फ़ख्र लम है कि शेक्सपियर कंपनी शेक्सपियर एंड कंपनी पैरिस में मेरी कम अज़ कम एक किताब मौजूद ये मैं भूल गया था बताना हालांकि सबसे अहम था तो अब वो मिशाल खड़ी हुई किताब में वो थैला लेने के लिए आ, मैं आपको दिखा देता हूँ ये इस किस्म के जो सोवनियर आ, के होते हैं ना ये छापते हैं सारे पाकिस्तानी भी छाप रहे हैं ये देखें तो वो उसे खरीदने के लिए वो खड़ी हुई थी कतार में तो वो जो रिसेप्शन पे इंचार्ज था वो मुझे कहने लगा कहने लगा कि क्योंकि वो मुझसे बातें कर रही थी कि दादा हो आर यू यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड अबाउट समथिंग लाइक दैट तो मुझे कहने लगा इज़ दिस ब्यूटीफुल यंग लेडी रिलेटेड टू यू मैंने बड़े फादर से कहा हाँ इसका नाम मिशाल है ये मेरी पोती है माशाल्लाह तो उसने मिशाल को एड्रेस करके कहा यंग लेडी का मैं मिशाल आ गई कहने लगी कह, ये कहने लगा जो इंचार्ज था कि यू आर द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए ग्रेट राइटर हैंस फ्रॉम शेक्सपियर एंड कंपनी मैं तुम्हें ये जो सोवनियर बैग है ये गिफ्ट के तौर पे पेश करता यक़ीन कीजिए कि मिसाल इतनी पुरफख्र हुई इतनी खुश हुई कि सब लोग खरीद रहे हैं और दादा की वजह से ये मुझे मुफ्त मिल गया मैंने कतई तौर पर उस शख्स की नहीं की जो उसने कहा ना कि ग्रेट राइटर तो मामूली सा मैं राइटर हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर एक छोटे से झूठ से आपकी पोती खुश हो जाए तो वो झूठ बोलना जायज़